अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में आ रही। तो यार बेसिकली काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, ठीक है, आप नईम भाई वीडियो नहीं बना रहे डाटा इंजीनियर्स के साथ। तो फाइनली हमें मिल गया वकास। सो वकास बेसिकली यहाँ पे तकरीबन पाँचवा हो गए हैं आपको, पाँचवा हो गए यहाँ पे एज अ डाटा इंजीनियर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ इस फील्ड के अंदर। ऐसा क्या है इसके अंदर जो हर बंदा इसके बारे में पूछना चाह रहा है? सो फाइनली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? तो से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सो आपका नाम वकार है? yes. ना कि वकास। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी थी, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल कमेंट में भी मेंशन हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगी हो जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इवन कि आप इन्हें अप्रोच भी कर सकते हैं। yes. ठीक है, अगर कोई मतलब ये पूछना चाहे बिल्कुल, अगर यस कोई भी अगर मेरे से रीच आउट करना चाहता है, कोई भी डिटेल पूछना चाहता है, हाउ आई केम टू सऊदीया, हाउ इट वर्क हियर और कोई भी चीज़, तो आई एम विलिंगली अवेलेबल, कोई भी विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे अप्रोच कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। सो अदर देन डैट आप पाकिस्तान से? यस। ठीक है, सो पाकिस्तान में आप एज अ डाटा इंजीनियर काम कर रहे थे, ठीक है, आपका मल्टीपल एक्सपीरियंस है। यस yes. जो कि मैंने चेकआउट किया था उसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। सो आप डाटा इंजीनियरिंग में कैसे आए थे फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें। सो बैक इन 2018 मैंने अपनी ग्रेजुएशन की इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम कॉमसर्च यूनिवर्सिटी लाहौर। ओके ग्रेट। देन स्टार्ट में ही थोड़ा डाटा साइंसेज की तरफ इंटरेस्ट था, बट डाटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है, सो उसका जो स्टार्ट है वो है डाटा इंजीनियरिंग से। ठीक है, सो डाटा इंजीनियरिंग में मैंने अपना स्टार्ट लिया कैरियर का फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट कंपनी। देन वहाँ से ग्रेजुअली आई स्विच टू अनदर कंपनी, वहाँ पर मैंने काफ़ी काम किया। देन एक बड़ी फर्म है पाकिस्तान में, उधर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, वहाँ पे का नाम है CureMD। CureMD सभी की नेम इन पाकिस्तान ऑब्वियसली। और CureMD के बाद एक और बड़ी फर्म है अफिनिटी के नाम से, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अदर डाटा इंजीनियरिंग में काम किया। और उसके बाद फिर मैंने एक और कंपनी में स्विच किया, एंड देन आई केम टू सऊदीया हेयर इन रियाद, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन एज अ डाटा इंजीनियर, सीनियर डाटा इंजीनियर इन वन ऑफ द बिग फर्म्स हियर इज एज वेल। ओके, सो अभी अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसी जो आपने डिटेल बताई है ना, उसके अंदर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ गए। जी ठीक है, जो कि हर एक जो मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट का बच्चा होता है ना, वो जैसे ही जैसे मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, उसके अंदर जहाँ तक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, ऑब्वियसली मैंने डिग्री की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसमें कोई अभी सब्जेक्ट रिलेट नहीं करता डाटा साइंस से रिलेटेड, आई डोंट थिंक सो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो आप मतलब कि कैसे आपने इंफॉर्मेशन मिली, या यूट्यूब चैनल से जाके आपने स्टार्ट किया, या यूडेमी है ऑब्वियसली कोर्स से रहा है, कैसे कैसे स्टार्ट किया डाटा इंजीनियरिंग? सो जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो आपको एक पाकिस्तान में ना एक बूम आया था डाटा साइंसेज का काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें यह था कि काफ़ी लोग जो थे डाटा साइंसेज मशीन लर्निंग की तरफ एक्चुअली जा रहे थे। अच्छा, उसके ऊपर मैंने काफ़ी एक दो कोर्सेज किए, कोर्स सीधा पे IBM फॉर डाटा साइंसेज एक बड़ा फेमस कोर्स है, एंड्रू SJ का एक कोर्स है बड़ा फेमस, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके, वो वैसे EDX में मिल जाएगा आप लोगों को। तो वो कोर्सेज जब मैंने कंप्लीट किया, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार डाटा साइंसेज ये हम कह देते हैं, लेकिन ये बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है, इसका जो इनिशियल स्टार्ट है वो है डाटा इंजीनियरिंग से आपका। तो डाटा इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप स्पेसिफिकली डाटा पे अपना काम कर रहे होते हैं, ओब्वियसली, ठीक है। तो नाउ इसके कोर्सेज करने के बाद फिर मुझे एक फर्म में, जो मेरी वेरी फर्स्ट कंपनी थी, वहाँ पे एज अ डाटा इंजीनियर की जो अपॉर्चुनिटी मिली, एक और अच्छी फर्म में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन वहाँ पे एज अ QA डेवलपर थी। बस जॉब आपको कैसे मिल गई है, मतलब हाँ, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। बताओ ना यार, ये ट्रिक ये है कि वो भी डाटा इंजीनियरिंग, डाटा इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे दो ट्रिक्स बताऊंगा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा लिंक्डइन के थ्रू आपने रियाद में कैसे जॉब मैंने फाइंड की है, वो वीडियो के एंड पे आपको जरूर मैं बताऊंगा। अभी हम सिर्फ पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे CAVTEC में मेरी वेली फर्स्ट कंपनी थी CAVTEC, वहाँ पे डाटा इंजीनियरिंग की पोजीशन आई। मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ये बड़ा मैटर करता है हर स्टूडेंट के लिए, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था मेरा, वो स्पेसिफिकली था इन डाटा साइंस, जिसमें AI भी इन्वॉल्व थी, उसमें मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व थी, और उसमें डाटा इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व थी, और उसमें Power BI की रिपोर्ट्स भी इन्वॉल्व थी। Power BI का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। तो जब मैंने वो अपनी CV एक बड़ी मैटर करी होती है फ्रेश ग्रेजुएट के लिए हमेशा, तो CV के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया हुआ था। उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर ही मुझे उन्होंने अप्रोच किया था, मैंने खैर CV अप्लाई की थी, और उन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया कि आप डाटा साइंसेज में काम किया हुआ है, तो वी हैव अ अपॉर्चुनिटी इन डाटा इंजीनियरिंग, तो आर यू विलिंग टू डू? तो फिर मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट, ये एक पहला स्टेप है डाटा इंजीनियरिंग टू डाटा साइंसेज। और फिर वहाँ से मैंने अपना पहला स्टेप लेके डाटा इंजीनियरिंग में अपनी करियर का आगाज किया। ठीक है, बेहतरीन हो गया। सो मतलब कि पहली जॉब आपकी स्टार्ट होगी, कोई मतलब कि आइडिया बता सकते हो कि क्या सैलरी होती है, मतलब कि फर्स्ट जॉब में? यार फर्स्ट जॉब बैक इन 2018 मुझे बहुत खैर कम सैलरी शायद मिली हो, लेकिन इट वॉज अराउंड 30-35K। ओके, सो आपने लिंक्डइन में मेंशन किया हो कि आपके 9 एक्सपीरियंस है,
वन बाय वन, मतलब कि किस तरह से आप मूव हुए हैं, किस तरह से आप अच्छा 9 एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ तो सेम फॉर्म्स में है, जब मैं फ्रॉम जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले मेरी कंपनी थी जो कैफटेक, वहाँ से मैंने एसोसिएट डाटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ पे मैं मूव हुआ फिर डाटा इंजीनियरिंग में, तो ये दो एक्सपीरियंसेस एक किस्म के काउंट करें, ठीक है। देन आई मूव टू अदर कंपनी, दैट इज CureMD, CureMD वहाँ पे मैं ETL की टीम का पार्ट था। फर्स्ट आई स्टार्टेड एज एन ETL इंजीनियर देयर। ETL थोड़ा ETL, ओके, सो डाटा इंजीनियरिंग और ETL एक किस्म के ना, ये आपको ना सेम ही कहते हैं, डेटा इंजीनियरिंग में सेम ही वर्ड्स हैं यूज होते हैं, लेकिन हर कंपनी ना अपनी डिफरेंट डेजिग्नेशन दे देती है। कुछ आपको कहेंगे आप डेटा इंजीनियर हो, कुछ आपको कहेंगे आप डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर हो, कुछ आपको कहेंगे आप ETL इंजीनियर हो, ओके, सो दैट्स हाउ इट इज, बट अल्टीमेटली काम आप यही कर रहे होते हो, ठीक है, डन। तो CureMD में वहाँ पे मैं पार्ट था ETL टीम का, दैट इज वहाँ पे मेरी डेट ETL इंजीनियर, देन आई मूव टू सीनियर ETL इंजीनियर देयर, एंड देन आई मूव टू लीड ETL इंजीनियर देयर। सो देन वहाँ से जब मैंने शिफ्ट किया तो फिर मैं गया अफिनिटी, सेम वहीं पे सीनियर डाटा, वहाँ पे डाटा इंजीनियरिंग की पोजीशन थी, वहाँ पे डाटा इंजीनियरिंग सीनियर डाटा इंजीनियर। फिर वहाँ से मैं जब शिफ्ट किया SSI स्ट्रेटेजिक सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज आल्सो इन लाहौर, तो वहाँ पे मेरी फिर पोजीशन सीनियर डाटा इंजीनियर और सीनियर डाटा एनालिटिक्स के दरमियान मूव करती रही। सो ऑब्वियसली इतना डिटेल में बताया बताया बहुत, मतलब कि शॉर्टली है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑब्वियसली पहली कंपनी स्टार्ट की है, ऑब्वियसली वहाँ पे काम सीखा, उसके बाद CureMD में आपने तकरीबन 2 से 3 साल गुजारे हैं, तकरीबन 2.5 साल के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद देन कंपनी आप मूव करते हो, ऑब्वियसली ऐसे ही है। ये नहीं होता कि मतलब कि यार 2 महीने लगाए, ठीक है नेक्स्ट मूवी, वहाँ से सैलरी ज्यादा मिल गया मूव कर जाओ, तो ये सीन नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने काफी ज्यादा सर्टिफिकेशन भी की हुई है, क्या सर्टिफिकेशन मैटर करती है जो कि आप जॉब अगर कहीं पर अप्लाई करते हो? अच्छा, सर्टिफिकेशन का जहाँ तक मेरा बिलीव है ना अभी तक, वो ये है कि सर्टिफिकेशन आपकी जो फर्स्ट टाइम एक जो इंटरव्यूअर है वो CV चेक कर रहे हैं ना आपकी, वहाँ पे वो मैटर करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके हैंड्स ऑन स्किल्स हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर ना आपको मोस्टली जिसे कहते हैं निचोड़ लेता है इंटरव्यू के अंदर, तो वो चीज़ कर लेते हैं वहाँ पे। तो ये सर्टिफिकेशन आपको हेल्प इस तरह करती हैं कि जब आपने एक चीज़ में काम किया हुआ, जब आप उसको सर्टिफाइड कर लेते हो ना अपने एंड पे, तो आप इंटरव्यू सेट करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि यार हाँ मैं अब इस कंपनी में, मतलब कंपनी वाले अप्रोच कर लेते हैं कि यार ये बंदा मुझे ठीक लग रहा है, okay. तो ये चीज़ थोड़ी है यहाँ पे सर्टिफिकेशन। ग्रेट, सो अब काफ़ी ज़्यादा मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो ज़्यादातर स्टूडेंट है, ठीक है, हाउ दे कैन स्टार्ट, ओके ओके, एज अ डाटा इंजीनियर, ठीक है, एज अ डाटा एनालिस्ट, ओब्वियसली यहीं से स्टार्ट होता है, हाउ दे कैन, व्हाट दे नीड टू डू, ओके, सो डेटा इंजीनियरिंग में ना एक सबसे बेसिक चीज़ है जो हर डेटा इंजीनियर, इवन जो फ्रेशी है ना, सबसे पहले उसको वो है SQL. SQL इज SQL क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। आपकी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ऊपर हैंड जोन एक्सपीरियंस या आपको उसके ऊपर ना स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। डेटा बेसिस का एक कोर्स पढ़ाया जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमें यूनिवर्सिटी में डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ाया जाता, डेटा बेसिस का कोर्स लाजमी पढ़ाया जाता है। वो डेटा बेसिस के कोर्स को अगर तो आप कैजुअली लोगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप इसमें लेके, लेकिन उस कोर्स को अगर आप अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेके करोगे ना, तो वो आपकी एक स्टैंड है, आपका बेस है, और वहाँ से आप आए डेटाबेस से SQL में, SQL से फिर आप आए डाटा इंजीनियरिंग में, डाटा इंजीनियरिंग में फिर आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं। तो मेरा वैसे एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कंपनी के अंदर आके ही वहाँ से टूल्स सीखे थे, लेकिन मेरी SQL बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ये एक बेस स्टेप है जो हर स्टूडेंट को लेना चाहिए, अपनी SQL स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, बहुत कम बच्चों को पता है, ठीक है, आप स्टूडेंट ईमेल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर GitHub स्टूडेंट पैकेज होता है, ठीक है, आप चाह के वहाँ पे अकाउंट बनाओ, ठीक है, और आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये है कि जैसे आप LinkedIn प्रीमियम यूज़ कर सकते हो थ्रू GitHub, ओके, आप आई थिंक सो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आई थिंक डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि आप स्टूडेंट ईमेल के थ्रू कर क्या सकते हो। इवन कि आप डाटा कैंप, मेरा ख्याल है 3 मंथ या 6 मंथ तक आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरा ख्याल है शायद आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो आपकी सर्टिफिकेशन किस किस चीज़ में है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था इनिशियली ना, तो डेटा कैंप से स्टार्ट किया था, जो उन्होंने नाम लिया, तो डेटा कैंप बहुत एक पॉपुलर इन डाटा साइंस है, वहाँ पे आपको ना बेसिक डाटा इंजीनियरिंग के और डाटा बेसिस के कोर्स मिल जाएंगे, फिर वो कुछ ट्रैक्स होते हैं जो ना कंप्लीट आप डाटा इंजीनियरिंग के ट्रैक करते हैं, खैर वो पेड ट्रैक हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरी वो एक फॉर्म थी अफिनिटी, वो लोग हमें वो दे देती थी, तो वहाँ से मैंने वो ट्रैक कंप्लीट किया हुआ है। उसके अलावा जो अगर इनिशियली स्टूडेंट्स अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डाटा बेसिस के बेसिक जो कोर्सेज हैं इन डाटा कैंप, वो फ्री हैं, तो वहाँ से आप इनिशियल एक स्टार्ट लें। आप कोई भी एक लैंग्वेज जो डेटाबेस की है हमारे पास, RDBMS, बेशक SQL सर्वर ले लें, बेशक PostgreSQL ले लें, किसी एक को पकड़ लें और उसको आप हैंड्स ऑन कर लें, क्योंकि
जो SQL है वो ओवरऑल हर डेटाबेस में सेम ही लिखी जाती है, बस आपने जो है ना उसको किसी एक RDBMS को पकड़ के उसके ऊपर स्टार्ट कर देना अपना काम। सर सारी कन्वर्सेशन से मैंने एक चीज़ पे गौर किया है, ये हमेशा स्टार्ट बता रहे हैं SQL से, यानी कि एक चीज़ पे फोकस करो, उसके ऊपर ग्रिप लेने के बाद देन मूव करो। यस ठीक है। सो अब यानी कि ओवरऑल हो गया पाकिस्तान, ठीक है, अब सऊदीया में कैसे मूव हुए? ठीक है, चले सऊदीया का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अभी यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, और ये सबको लिए है, इवन फॉर स्टूडेंट्स इवन फॉर प्रोफेशनल्स। बैक इन 2023 जब मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में बूम आया कि यार हर कोई बाहर जा रहा है, मैं जिसे पूछूं कोई मुझे कह रहा है यार मैं फिनलैंड जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मुझे यूके का वीज़ा लगवा रहा है, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हूँ। स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट आपको पता है, फिर वो मैं डिफाइन बता नहीं सकता कितनी लगती है पाकिस्तान में। तो आई स्टार्टेड कि यार नहीं, अब मुझे जो है ना मूव करना चाहिए टू अनदर कंट्री और लेट्स जॉब के ऊपर चलते हैं हम लोग, वर्क वीज़ा मुझे मिल जाए किसी तरह से। अच्छा, वहाँ पे एक स्ट्रिक है लिंक्डइन के ऊपर ही, मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऑब्वियसली अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें होता है लिंक्डइन के ऊपर एक आपको मिलती है चीज़ के आप नोटिफिकेशंस लगा सकते हैं, आई थिंक लिंक्डइन जो नॉर्मल है उसके ऊपर शायद 10 या 20 नोटिफिकेशंस आप ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने नोटिफिकेशंस लगाई हुई थी, 20 की नोटिफिकेशन लगाई थी और मैंने हर कंट्री की नोटिफिकेशन लगाई हुई थी। मैंने इवन यूके में भी, अगर आप मैनचेस्टर की लगाएं, लंदन की भी लगा लें, आप बर्मिंघम की लगाएं, आप लैंकास्टर की भी लगाएं, अगर आपने यूएस जाना है तो आप यूएस में न्यूयॉर्क की भी लगाएं, उनकी अदर कंट्रीज़ की भी लगाएं जो इतनी फेमस नहीं है, आप टोरंटो कनाडा की टोरंटो की तो लगा लेंगे, लेकिन टोरंटो के अलावा भी उधर मल्टीपल स्टेट्स हैं, आप उनकी भी नोटिफिकेशन लगाएं। फिर मैंने यूएई, सऊदीया, इनकी ओवरऑल लगाई हुई थी मिडिल ईस्ट की। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया इन 2023 इन दिसंबर और जनवरी। ओके, एंड मेरी ये रूटीन थी कि मैं रात को सोने से पहले अपनी नोटिफिकेशन ओपन करता था वन बाय वन, और हर नोटिफिकेशन जिस पे इजी अप्लाई होता था वो इजी अप्लाई कर देता था, जो इजी अप्लाई नहीं होता था उसको मैं सेव कर लेता था, और सुबह अपने ऑफिस जाता था अर्ली, हाफ एन आवर अर्ली हर कोई पहुंच जाता है, तो मैं अपना लैपटॉप ऑन करके वहाँ पे अप्लाई कर देता था। ओके, अच्छा लोग क्या करते हैं, महीना करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि यार मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा। मैंने 3 months to 4 months ये चीज़ की है और उसके बाद मुझे रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ। ओके, यानी कि इन मार्च अप्रैल मुझे रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ है, फिर मुझे आइडिया, फिर मुझे ये हुआ था कि इंटरव्यू स्केड्यूल होना स्टार्ट हुआ लोगों के। अच्छा जी, जर्मनी का इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, यूएस का इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, यूके का इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, पहले वो इनिशियल टेस्ट लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। शुरू में तो स्क्रीन टेस्ट बहुत मैंने फेल किया, ठीक है, इसमें कोई वह सीधी बताता हूँ, बहुत स्क्रीन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन टेस्ट में मुझे आइडिया हो गया कि टेस्ट कैसे लेना है, तो फिर मैंने उसको क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, देन इंटरव्यूज में आए, तो इंटरव्यूज में मुझे आहिस्ता आहिस्ता फेल करने के बाद आइडिया हुआ कि यार नहीं, ये इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। ओके, जब मुझे सऊदीया की अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे इन रियाद, तब मैं, मेरी एक बेस लाइन सेट हो चुकी कि मैंने काफ़ी टेस्ट फेल किए हुए थे, काफ़ी इंटरव्यूज फेल किए हुए थे, लेकिन मुझे आइडिया था कि अब मैंने इसको कैसे अप्रोच करना है। एंड वंस इन सऊदीया रियाद की जब मुझे अपॉर्चुनिटी, मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट भी 100% से क्लियर किया, मैंने इनका इंटरव्यू में भी 45 अराउंड 30 मिनट्स में मुझे आइडिया हो गया था कि यार आई एम सक्सेसफुल इन दिस इंटरव्यू, और 45 मिनट्स इंटरव्यू में आखिरी 15 मिनट उसने मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताया। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई लैंडेड हेयर इन रियाद, सऊदी अरेबिया, और ये मेरा एक पूरा पाथ था जो सितंबर में जाके कंप्लीट हुआ, सिंस जनवरी टू सितंबर ये एक पूरा ट्रैक मैंने फॉलो किया। ओके, सो टिल नाउ आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ? ओके, टिल नाउ सिंस पाकिस्तान से अगर मैं देखना शुरू करूँ तो निकाल लें कोई 15, मैंने मुझे ऐसे एस्टिमेट याद नहीं है, लेकिन 15-20 प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे होता ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम मिलता है, फिर अल्टीमेटली जब वो काम खत्म होता है तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो जाते हो। ETL में, डाटा इंजीनियरिंग में, सम कंपनीज डू व्हाट दे डू, अगर उनका, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कुछ होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं कि यार हमें ना इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में डाटा मूव करते हैं, वो भी हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन पकड़ते हैं और जब डाटा मूव हो जाता है तो हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अराउंड 10 to 15 प्रोजेक्ट्स आप लगा लेंगे मेरे, आई थिंक सो मैंने किए हुए, इससे ज़्यादा ही होंगे बस मेरे हिसाब से, इससे कम नहीं है। ठीक है, सो अभी सऊदी अरेबिया में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस? अच्छा, यहाँ के एक्सपीरियंस में और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस में एक जो मैंने मेजरली डिफरेंस देखा है वो ये है कि यहाँ पे ना आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता काम के लिए। अच्छा। सो यहाँ पे ये है कि आपको खुद, वो कहते हैं कि आप अपनी ETAs प्रोवाइड करें, ठीक है, इवन दी प्रोजेक्ट मैनेजर आस्क यू कि यार आपने मुझे ETA बतानी है और फिर मैं उस लिहाज से आगे ETA लूँगा। इवन अगर कोई काम आपका डेडलाइन से आगे भी जा रहा है तो दे विल से कि कोई इशू नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक वो चीज़ है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज़ के, वो कहते हैं कि यार कोई इशू नहीं, आप अपने पेस पे काम करें और फिर हमें अल्टीमेटली रिजल्ट, बस टास्क ओरिएंटेड कंपनी है मेरी, तो कहते हैं टास्क कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये एक मेजर है कि वो यहाँ पे ज़रा
प्रेशराइज नहीं किया था ना। ओके सो मतलब कि इससे ऑफिस एनवायरनमेंट का भी पता चल जाता है, मतलब कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा कि यार ये टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, लेकिन ये है कि जो प्रेशर इन्होंने वो किया है, बेयर किया है पाकिस्तानी कंपनी से, ऑब्वियसली फिर हाँ इतना तो बनता है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड अप कर दूं कि अगर अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो वो एक पूरी ग्रूमिंग है पाकिस्तान में जो हुई है। अब यहाँ पे मुझे काम का इतना प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि मैं उसे ऊपर वाले प्रेशर पे काम करके आया हूँ, तो मुझे आइडिया है कि यार अगर ये मुझे प्रेशराइज करेंगे भी ना, तो मैं उस इन्वायरमेंट से हो गया हूँ कि मैं उसको भी हैंडल कर सकता हूँ। ओके तो ये एक चीज़ है यहाँ। सो आपकी कंपनी में आप थोड़ा परसेंटेज बता सकते हैं कितने पाकिस्तानी, सऊदी, इंडियन? अच्छा, डाटा इंजीनियर, एज अ डाटा इंजीनियर मैं अपनी टीम का बता देता हूँ आपको, आई एम द ओनली पाकिस्तानी देयर, ठीक है, नो इंडियन। मतलब कि मैं भी आ रहा हूँ। श्योर हमारी कंपनी में डाटा इंजीनियरिंग में ना इंडियंस हैं, इजिप्शियंस हैं जरूर, इंडियंस हैं, दैट इज अनदर फील्ड, डाटा ओप्स, सो वो एक अलग फील्ड है, वो लंबी फील्ड है एक, मैं कभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आई एम द ओनली पाकिस्तानी एंड देर आर कपल ऑफ इजिप्शियंस, बट मोस्ट ऑफ देम आर सऊदीज। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कभी किसी से पूछा नहीं जाता, ठीक है, डाटा इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है इन सऊदी? दोनों बता दे, पाकिस्तान में इंडिया। यार पाकिस्तान में तो अब एक्सपीरियंस नहीं, मतलब कि ग्रेजुएट, यानी कि एक रेंज बतानी है। हाँ, पाकिस्तान की अगर मैं अब रेंज बताऊँ इन 2024, तो यहाँ पे जो है ना 1-20 से 2 के दरमियान कंपनीज दे रही है। जो बच्चा अभी ग्रेजुएट हुआ, जो बच्चा अभी ग्रेजुएट हुआ डाटा इंजीनियर, डाटा इंजीनियरिंग में अगर आप जा रहे हैं, बड़ी बात है, यानी कि एक अच्छी फर्म आपको 2 के करीब भी देगी, एक नॉर्मल फर्म जो है वो आपको 1-20 और 1 तो आपको एटलीस्ट मिलेगी मिलेगी कहीं भी। इन रियाद, इन सऊदी, यहाँ पे जो मैंने नोट किया, यहाँ पे जो है ना 15 से 25 के दरमियान अगर आप 5-10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में है ना, तो आपको इस रेंज के अंदर मिलेगी सैलरी। ओके दैट्स ग्रेट। और ये 15-25 SAR के, ठीक है, वो आप कन्वर्ट कर ले, इधर बनते हैं, ठीक है। सो अदर देन दैट मैंने आपसे ये पूछना है कि मतलब कि कोई प्रो एंड कॉन्स बता दें सऊदीया के टीम। ओके सो प्रोज में मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे क्योंकि रियाद में हूँ मैं अभी, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे आपको डिवर्सिफाइड बहुत एरियाज़ के लोग मिलेंगे, हर कंट्री के लोग मिलेंगे, तो आपके एक नेटवर्किंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लीप में काफ़ी हम लोगों से मिले, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई। वहाँ पे क्या सीन था, कैसा रहा आपका? यार लीप वॉज, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े इवेंट पे गया वहाँ पे, मतलब ये जो हम फर्म्स देखते हैं अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अरामको, और वहाँ पे जाके उनके लोगों से मुलाकात की हमने काफ़ी, तो दे वर वेरी हैपनिंग, और मतलब वो हमें ना मतलब गाइड कर रहे थे, सो मतलब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस ना वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन रियाद सो फार था। वहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिनके थ्रू मैं लिंक्डइन पे भी ऐड किया, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब नेटवर्क्स बनाए थोड़े, तो नाउ आई एम लाइक इन कॉन्टैक्ट विद देम एज़ वेल। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए यहाँ पे इन रियाद के, आप मल्टीपल लोगों से मिल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं कॉन्स में जाऊं तो यार रियाद की ट्रैफिक जो है ना सही। तो ये आप सोच के आ जाए बस कि आप ना आधा आधा घंटा गाड़ी ले लिया आपने? यार अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस मैंने ले लिया है, तो अब इंशाल्लाह गाड़ी के लिए यार मुबारक, अभी तक हम नहीं ले पाए, एक साल हो गया। तो आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है वैसे अपने करियर में? हाँ यार मैं ना ऑन एंड ऑफ फ्रीलांस करता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स आपको पता मिलती हैं जो 6 मंथ्स की होती हैं या 1 ईयर की होती है, वो यही होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है, तो मैं ज़्यादातर फोकस मेरा ये होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मिले मुझे, ताकि लॉन्ग टर्म भी ना हो, 6 मंथ्स की वो मुझे कह देते हैं। मैंने 2 किए, दोनों 6-6 मंथ्स की थी, तो 6 मंथ्स में ही मैंने वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया, और मैंने फिर मतलब ये होता है कि वो आप बाउंड भी नहीं रहते उसके अंदर 6 मंथ्स का, आपको पता है आप 6 मंथ्स अपना माइंड बना लेते हो कि आज 6 मंथ्स मैंने अब बाउंड रहना है और 6 मंथ्स के बाद आप इन्जॉय करेंगे, ठीक है, डन। तो ये मेरा थोड़ा अप्रोच है। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन ओवरऑल जितने भी मेरे माइंड में थे मैंने सारे पूछ लिए, फिर भी अगर आपके माइंड में हो कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली लिंक्डइन आपको मिल जाएगा, आप अप्रोच करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यार सब्सक्राइब नहीं करते, थैंक यू सो मच, वीडियो पूरी देखते सब्सक्राइब नहीं करते, सो गाइस सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।